पोर्ट्रेट ड्रॉइंग विद ग्रिड मेथड। जितना मुश्किल सुनने में लगता है उतना है नहीं, बहुत आसान बनाने वाला हूँ। कलर रेफरेंस को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट किया, उसके बाद उसमें मोबाइल ऐप की हेल्प से मैंने ग्रिड लगाया। अब ये जो ग्रिड जितना भी आपको रेफरेंस में उतना आपको पेपर पे डालना है। जितना मैंने कैलकुलेट किया है 8 रो और 10 कॉलम्स होंगे और 4 सेंटीमीटर का हमारा मेजरमेंट रहेगा। तो एक एक जो भी आपके पास स्केल होगा उससे आपको 4 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बनाने हैं और रॉ भी बनाना है और कॉलम। ये मैंने मार्किंग कर दी है ऊपर और नीचे रॉ और कॉलम में टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने अभी जितने भी रॉ है ना उसको मैं 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रहा हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये कभी भी ना आपको ब्लॉक जो होते हैं ना वो स्क्वायर शेप में रहते हैं, हाइट एंड विड्थ दोनों सेम होने चाहिए। अब जितने भी हम लोगों ने मार्किंग कर लिए ना उसको हमें आपस में आमने सामने उसको जोड़ देना है लाइन से और वो भी स्केल की हेल्प से। तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा कि किस तरीके से ग्रिड बनेगा। और जितने ग्रिड्स आपको रेफरेंस में है उतने ही ग्रिड्स हमारे पेपर पे भी होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है। अब आप देख रहे हो कि रेफरेंस हमारे सामने है, अब हम क्या कर सकते हैं कि उसको नेमिंग दे सकते हैं इंडिविजुअल एक एक ब्लॉक को। और वही जो ब्लॉक है ना आपको पेपर पे भी सेम, जैसा कि आई देख रहा हूँ ना, मैंने उसको कुछ लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद वहाँ पे मैंने आई भी ड्रॉ किया। जिस ब्लॉक में जो नंबर के ब्लॉक में आपको रेफरेंस में आई है उसी ब्लॉक में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आई। और ये आपको डिस्टेंस मेजर करना है कि जो ऊपर का लाइन है नीचे का लाइन है ये सब जो है ना डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है। एग्जैक्टली वही ड्रॉ करना है जितना आपको रेफरेंस में साइज कैलकुलेशन करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ये वन आई जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड आई को भी वैसा ही करना है। जितने भी आपके वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है ना तो उसमें आपको देखना है कि जो भी आपका जो रेफरेंस है उसमें जो आई है या नोज है या लिप्स है जो भी है आपको उससे ही मैच करना है उसको। एग्जैक्टली ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स टू ब्लॉक्स आपको मैच करना है। और ये ध्यान रखना कभी भी ना ब्लॉक के साइज वेरी नहीं करने चाहिए। अगर ये वेरी किया तो आपका जो पोर्ट्रेट है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं लगेगा। इसलिए कई सारे लोग हमेशा ही पूछते हैं कि मैंने ग्रिड मेथड से बनाया है लेकिन वो मैच क्यों नहीं हो रहा है। मैच नहीं करने का कारण यही होता है कि लोग जब मेजरमेंट करते हैं ना, जो ब्लॉकिंग करते हैं ना, जहाँ पे मार्किंग करते हैं वहाँ पे आगे पीछे कुछ सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है। इसके कारण ही जितने भी आपके स्केचेस है ना वो मैच नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपको, जितने भी आउटलाइंस भी है ना वही एग्जैक्टली सेम लाइन बाय लाइन। और आपको बहुत जल्दी भागना नहीं है, आराम से एक एक इंडिविजुअल लाइंस को मैच करो रेफरेंस के साथ, मैच कर करके आपको एक एक ड्रॉ करना है। और थोड़ी देर बाद ना उसको छोड़ दो, और छोड़ देने के बाद ना 5 मिनट्स के बाद वापस आओ और इसको चेक करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं और वापस से आप करेक्शन कर सकते हो। क्योंकि आपकी शेडिंग कितनी भी अच्छी हो लेकिन जब तक आउटलाइन मैच नहीं करेगा ना तब तक एग्जैक्ट सेम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये ना आपको एकदम बिल्कुल ही लाइट पेंसिल से करना है। क्यों करना है, यहाँ पे मैंने डार्क इसलिए लिया है कि आपको विजिबिलिटी रहे दिखे। और यहाँ पे जब भी आप लाइट पेंसिल से करोगे ना इरेज करोगे ना तो इरेज हो जाए, क्योंकि हमें मल्टीपल लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं व्हाइल वी आर ड्रॉइंग आउटलाइन। तो यहाँ पे कई सारे लाइंस होंगी और उन सबको ना इरेज करके, इरेज मतलब ऑलमोस्ट 70-80% इरेज करना है। इरेज करके फिर आपको उसके ऊपर ओवरराइट करना है क्लीन लाइन। तो यहाँ पे कोई भी इरेजर के थ्रू आप लाइंस जो है ना सबसे पहले उसको आप इरेज करो। और बिल्कुल ही लाइट रखना है लाइंस को, इसलिए रखना है ना कि आप इरेज करोगे ना तो कुछ भी उसके स्पॉट या मार्किंग नहीं आएगी। तो अब बारी आती है नीडेबल इरेजर की। नीडेबल इरेजर से हम लोग इरेज कर देंगे जेंटल, मीन्स कि आपको 75% तक आपको विजिबिलिटी नहीं दिखनी है और उतना दिखना है जितना कि आप आउटलाइन कर पाओ। तो यहाँ पे कोई भी आप मैकेनिकल जो भी आपके पास पेंसिल है उसके थ्रू आप उसका आउटलाइन, शार्प आउटलाइन बना सकते हो। क्योंकि शेडिंग के टाइम पे ना ये जो आउटलाइन है ना वही आपकी हेल्प करेगा कि कहाँ पे आपको शेड करना है, कहाँ पे आपको डेप्थ वगैरह देना है, ये सब जो है ना ये आउटलाइन ही डिसाइड करेगा। तो इसलिए जो फाइनल आउटलाइन होगा ना वो परफेक्ट होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। तो एक कहते ना कि क्लीन और प्रिसाइज वो सब होनी चाहिए। ये जो हमारा पहला पार्ट है ना इसमें हम लोग आउटलाइन कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे शेडिंग। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप जो शेडिंग चाहते हैं वो ग्रेफाइट पेंसिल से चाहते हैं या फिर चारकोल पेंसिल से। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये टेंटेटिव आउटलाइन है, जब हम शेडिंग करेंगे ना तो इसमें और कुछ भी चेंजेस होते हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं ना इमेजेस को। तो क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने किया ना ये आपको कंप्लीट रेफरेंस को देख के ही बना है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो ना कि कुछ चीज जैसे हेयर के हैं लाइन्स हैं तो आपने एग्जैक्टली वैसे नहीं रखा। तो जैसे जैसे हम लोग शेडिंग करेंगे ना वैसा हम लोग और ज़्यादा मैच करेंगे।
और कहते हैं ना कि पहली बार जब इमेज आप देखो ना तो एक आर्टिस्ट की तरह देखो, आपको लगेगा कि मैच है। उसके बाद दोबारा कुछ टाइम के बाद आपको आना है, अपनी स्केचेस को देखना है, लेकिन एज ए ऑडियंस देखना। ऑडियंस देखोगे ना तो कई सारे करेक्शंस आपको दिखेंगे, तो आपको इसको देखना है एज ए ऑडियंस, और देखने के बाद फिर से आप जो आउटलाइन में जो भी आपको मिसमैच होंगे उसको कंप्लीट कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसकी शेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ग्रेफाइट पेंसिल से चाहिए या फिर चारकोल पेंसिल से। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।